नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल जी की रंगी में सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए 200 क्वेश्चनों का चैप्टर लेके आया हूँ। जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ उसका एक ही आंसर है। मैं पहले आपके लिए चार ऑप्शन वाला आंसर लेके आता था कि भाई जो भी करेक्ट आंसर लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन आज वो सिस्टम नहीं है। इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि आपका एग्जाम पास ही में आ चुका है, इसलिए। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो क्वेश्चन आपको आते हैं ना, वो तो ठीक है, मैं बोलूंगा और आप वीडियो भी देखोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा उससे तो। लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है आप सभी को, ठीक है दोस्तों। और जो बंदा अपने इस जीके रंगे यूट्यूब चैनल पे नया है ना, तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के निशान को तो जरूरी दबाना है, ठीक है। जो भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों अपन वीडियो शुरू करते हैं। अपन पहला क्वेश्चन है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? तो इसका आंसर है वीपी सिंह। वीपी सिंह के समय में मंडल कमीशन लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सार्स क्या है? इसका आंसर है विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग। सार्स एक श्वास की बीमारी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक, तो इसका आंसर है एम एस स्वामीनाथन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध है? इसका आंसर है दूध से श्वेत क्रांति का संबंध है और इसके साथ साथ ऑपरेशन फ्लड दूध से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने से। रेलगाड़ी के अंदर लोगों को जला दिया गया था, इसलिए गोधरा कांड प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका आंसर है बहादुर शाह जफर। इन्होंने 1857 की क्रांति में भी भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का विरोध सर्वप्रथम किसने किया? यानी कि ये मान लीजिए कि सर्वप्रथम और सर्वाधिक किसने किया, तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है अदर बैकवर्ड क्लासेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल क्यों प्रसिद्ध है? इसका आंसर है स्टील उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? इसका आंसर है भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों ये टाइपिंग में गलती हो गया है, इसका आंसर आएगा अजमेर के अंदर पुष्कर मेला लगता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका आंसर है सिंगापुर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है? इसका आंसर है सातवां और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका आंसर है तबला से। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलबीएस की समाधि स्थल कहाँ है? यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। इसका आंसर है विजय घाट के अंदर लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किनको जोड़ती है? इसका आंसर है लाल सागर और भूमध्य सागर, इन दोनों को स्वेज नहर आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इसका आंसर है दोस्तों इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो आप देख रहे हैं दो सूचक हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है पुल। ये दो सूचक हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है पुल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजीवाद के संस्थापक कौन है? इसका आंसर है हिटलर। हिटलर को नाजीवाद का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किसने की?
दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की? इसका आंसर है अकबर ने, और इसको अपनाने वाला प्रथम हिंदू व्यक्ति था बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे गरीब नवाज खां कहा जाता है? किसे गरीब नवाज खां कहा जाता है? इसका आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार कहाँ है? इसका आंसर है दिल्ली में, और इसको बनाने वाला व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, पर्वत और पहाड़ों के बीच की भूमि को कहते हैं, पर्वत और पहाड़ है उनकी बीच में जो जगह होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है उसे कहा जाता है घाटी, पर्वत और पहाड़ों के बीच की भूमि को घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर या जनजाति कहाँ पाई जाती है? शहर या जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर है राजस्थान में शहर या जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ों को दर्शाया जाता है, यानी कि मानचित्र है उसके अंदर पर्वत और पहाड़ों को किस रंग से दर्शाया जाता है? पर्वत और पहाड़ों को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है लाल रंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना सिल्क रेशम का उत्पादन, सिल्क यानी कि रेशम, इसका उत्पादक करने वाला देश, इसका उत्पादक करने वाला सबसे बड़ा देश, इसका आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? इसका आंसर है नवाज शरीफ, और उस समय उसका राष्ट्रपति था परवेज मुशरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसका आंसर है मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर है 1885, 24 अक्टूबर 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनती है? कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनती है? इसका आंसर है कास्ट्रेविडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल है दोस्तों, फसल तीन प्रकार की होती है, खरीफ, रवि और जायद, ठीक है? तो खरीफ फसल कौन सी है? तो इसका आंसर है मक्का, मक्का के साथ साथ बाजरा है, तिल है, मूंग, ऐसे फसलें हैं जो खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? इसका आंसर है अक्टूबर और नवंबर माह में बाजरे की फसल काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो के घर बने होते हैं, एस्किमो जनजाति होती है उसके घर बने होते हैं, इसका आंसर है बर्फ से, इनके घरों को इग्लू कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, इसका आंसर है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल त्रिकोण का संबंध है, इसका आंसर है परिवार कल्याण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटूर रेखा दर्शाती है या प्रदर्शित करती है, इसका आंसर है समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी बहती है, इसका आंसर है दक्षिण भारत के दक्षिणी हिस्से में कावेरी नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है, इसका आंसर है महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? इसका आंसर है सिंहल, ठीक है दोस्तों, सिंहली जनजाति है वो श्रीलंका में सर्वाधिक पाई जाती है। होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? इसका आंसर है जौ और गेहूं, इन दोनों अनाजों को होलिका दहन के समय जलाया जाता है, यानी ये समझ लीजिए इनको भून के घर पे लेके आया जाता है, भूनना जाता है और फिर घर पे लेके आया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? गांव में जो मेला लगाया जाता है उसमें जो पंजीकरण होता है उसकी जो इनकम होती है उससे किसको फायदा होता है? तो इसका आंसर है जिला परिषद को, जिला परिषद है उसको इससे इस शुल्क से आय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है दोस्तों, खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा यमुना नदी का संगम स्थल है? इसका आंसर है इलाहाबाद में। गंगा और यमुना दोनों नदियां हैं, इनका संगम स्थल है इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहा जाता है? तो इसका आंसर है हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के बचपन का नाम था? तो इसका आंसर है सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की समुद्री सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? इसका आंसर है 7500 किलोमीटर लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो इसका आंसर है सेलुकस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीज। इसने इंडिका पुस्तक भी लिखी है और सेलुकस निकेटर है उसकी पुत्री का विवाह है चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली किस राज्य का नृत्य है? इसका आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? इसका आंसर है शिप्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल कानून कब पारित हुआ? इसका आंसर है 1985 में दल बदल कानून पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? इसका आंसर है राजस्थान के अंदर घाना पक्षी अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान, इसको सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? इसका आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन है? इसका आंसर है संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? यानी कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर है एनी बिसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कार्बेट पार्क कहाँ स्थित है? इसका आंसर है उत्तरांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था? इसका आंसर है महमूद गजनवी है। इसने भारत पर सत्रह बार आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर है देविका रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस वस्तु का सबसे अधिक निर्यातक करता है? तो इसका आंसर है सूती कपड़े का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चना किस फसल के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है दलहन। चना
रवि की फसल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर है उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे का सबसे लंबा रेल मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 12वें राष्ट्रपति कौन है? इसका आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? इसका आंसर है केरल। केरल के अंदर रबर का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? इसका आंसर है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से हैं? तो इसका आंसर है झारखंड। ये एक क्रांतिकारी थे, इनकी मृत्यु हैजे के कारण हुई थी। इनका जन्म छोटा नागपुर पठार के पास हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तीनों सेनाएं हैं भारत की, उनके सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है वो, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ब्रॉड गेज की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? जो दो पटरियां होती हैं, मान लीजिए ये दो पटरियां हैं, तो इनके बीच में दो ये जो दूरी है ये कितनी होती है? ठीक है, तो वो दूरी होती है 1.675 मीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है? सेंट्रल रेलवे है उसका कार्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? इसका आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का विशालतम रेगिस्तान कहाँ है और कौन सा है? तो इसका आंसर है सहारा रेगिस्तान है, और कहाँ है? तो वो है अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम, प्रथम उपग्रह है उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर है आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे मामलों का निपटारा कौन करता है? ग्रामीण क्षेत्र होता है उसमें छोटे छोटे मामले होते हैं, कोई लड़ाई झगड़े का है या कोई चोरी का है, तो उस मामले का निपटारा कौन करता है? तो इसका आंसर है अनुमंडलाधिकारी होता है वो करता है, और गांव में जो सरपंच होता है, इसके साथ साथ जो गांव में सरपंच होता है, पंच होता है, वो उनकी सभी की मीटिंग बैठती है, तो उसमें मामले छोटे छोटे मामले होते हैं उसका निपटारा वो लोग सरपंच पंच लोग करते हैं, और अनुमंडल अधिकारी है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा स्वर्ण यानी कि सोना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में सर्वाधिक सोना का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो इसका आंसर है वैज्ञानिक थे वो, और विज्ञान क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो इसका आंसर है पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? परमाणु परीक्षण है वो किस स्थान पर किया जाता है ज्यादातर? तो इसका आंसर है पोखरण, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? गौतम बुद्ध है यानी कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या है? तो इसका आंसर है सुदोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 12 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर है सूरत। सूरत के अंदर बंदरगाह स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है खड़गवासला। इसका आंसर है खड़गवासला, नेशनल डिफेंस अकादमी खड़गवासला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है? किसे विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है? इसका आंसर है रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य शिक्षित राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका आंसर है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? इसका आंसर है मुगल सम्राट अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर है नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है? तो इसका आंसर है डिगबोई असम। ठीक है दोस्तों, लेकिन वर्तमान में तो डिगमोई असम है, लेकिन भविष्य में राजस्थान हो सकता है सर्वाधिक तेल उत्पादन क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की राजधानी टोक्यो किस नाम से जानी जाती है? जापान की राजधानी टोक्यो है, उसका उपनाम क्या है या वो किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर है ओसाका। इसका आंसर है ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन शब्द किसने दिया? इसका आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कॉफी अच्छी उपज कहाँ होती है? भारत में कॉफी की जो किस्म होती है उसमें से अच्छी उपज कौन से राज्य में होती है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? कीकली नामक लोक नृत्य वो किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुगली नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक कोयला उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ स्थित है? इसका आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर चार मीनार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली? इसका आंसर है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर भारत के किस राज्य व शहर में स्थित है? तो इसका आंसर है अमृतसर पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है लोहा। लोहे के लिए राउरकेला प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी किस राज्य में बहती है? इसका आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश? तो इसका आंसर है भारत। भारत के अंदर अभ्रक का अग्रणी राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है मुंबई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पूर्णतः
रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो इसका आंसर है झांसी की रानी। ये थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो इसका आंसर है झांसी की रानी। लेकिन भारत की प्रथम रंगीन फिल्म किसान कन्या, ठीक है दोस्तों, भारत की प्रथम रंगीन फिल्म किसान कन्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है केसी नियोगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग किस राज्य में हैं? सर्वाधिक लोग किस राज्य में हैं? तो इसका आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? सबसे अधिक काली मिट्टी किसके लिए फायदेमंद होती है? तो इसका आंसर है कपास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोको कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोको कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है एटलांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है मांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का परमाणु रिएक्टर का ध्रुव कहाँ स्थित है? भारत का परमाणु रिएक्टर का ध्रुव कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ट्रांबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क। स्टैचू ऑफ यूनिटी तो भारत में स्थित है, ठीक है दोस्तों, और जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्तमान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है मास्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्वाना बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर है नील नदी पर। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटागन क्या है? तो इसका आंसर है अमेरिका के रक्षा विभाग का ऑफिस है पेंटागन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है? तो इसका आंसर है अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन कोड का अंक होता है? इसका आंसर है डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या। पिन कोड होता है वो डाकघर से संबंधित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग अलग करती है? तो वो कौन सी जल संधि है? तो इसका आंसर है जिब्राल्टर है, ये यूरोप और अफ्रीका को दोनों को अलग अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नवा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है मुंबई में है, और इसको नवा सेवा को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर है? तो इसका आंसर है पारादीप पर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टिन कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है झारखंड के हजारीबाग में टिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किस राजदूत ने बनाया? तो इसका आंसर है राजा जयसिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना यानी कि प्रार्थना की? तो इसका आंसर है रानी कर्णावती। इन्होंने हुमायूं के पास में राखी भेजकर
बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता मांगी थी रानी कर्णावती ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है नर्मदा नदी पर, और इसी पर ही स्टैचू ऑफ यूनिटी का, स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसका स्टैचू खड़ा है वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में रेल वेगन, राजस्थान में रेल वेगन का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतें थी? तो इसका आंसर है 562 रियासतें थी आजादी से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की? तो इसका आंसर है 3 जून 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका आंसर है महमूद इकबाल ने। ठीक है, महमूद अलग इंसान है और इकबाल अलग इंसान है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, तो इन दोनों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के विरोध के बाद किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के विरोध करने पर कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ? अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग है, वहां पे एक मीटिंग रखी गई थी, और वो मीटिंग में जो लोग इकट्ठा हुए थे वो किसके विरोध में हुए थे, एक किसकी किन लोगों की गिरफ्तारी कर ली थी, तो वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। तो इसका आंसर है सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था तब अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को वहाँ पे हत्याकांड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है मुंबई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो इसका आंसर है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो इसका आंसर है पुलकेशियन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था? तो इसका आंसर है मनु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कलर लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष की गई? इसका आंसर है दोस्तों 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? इसका आंसर है सिराजुद्दौला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर है 1929 में,
नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा अभ्यारण किस लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा अभ्यारण किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है एक सिंह वाले गेंडा के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नगर में भारतीय प्रमाणित समय तथा स्थानीय समय कहाँ से है? तो इसका आंसर है इलाहाबाद नैनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्यांगना सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? इसका आंसर है भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो इसका आंसर है 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबिज्म चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है पाब्लो पिकासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का नाकासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? जापान का जो नाकासाकी है वो किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका आंसर है क्यूशू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होर्मुज जलसंधि किन दो देशों को अलग करती है? तो इसका आंसर है ईरान और ओमान, इन दोनों को अलग अलग करती है होर्मुज जलसंधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई? तो इसका आंसर है 1952 में राज्यसभा की पहली बैठक संपन्न हुई थी, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, केगा में होता है इसका आंसर है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा एवं विज्ञान एवं संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत में कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है? तो इसका आंसर है 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेगोडा क्या है? तो इसका आंसर है बौद्ध मंदिर। भारत, चीन, वर्मा, इंडोनेशिया, जापान, इनमें है बौद्ध मंदिर है, उनको पेगोडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ोरास्ट्रियन कहलाते हैं? इसका आंसर है अग्नि पूजक जाति के लोग, जो अग्नि की पूजा करते हैं, अग्नि पूजक जाति के लोग हैं, उनको ज़ोरास्ट्रियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा कहा जाता है? तो इसका आंसर है म्यांमार, बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसने लिखा? तो इसका आंसर है गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 64,640 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? तो इसका आंसर है पाल घाट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले वाला क्वेश्चन है ना, हड़प्पा सभ्यता के पहले अवशेष पाकिस्तान में प्राप्त हुए, उसके बाद में राजस्थान में कालीबंगा है, उसके बाद में हरियाणा में धौलावीरा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार पुरस्कार उसको प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर है नेल्सन मंडेला, जो कि अफ्रीका के क्रांतिकारी हुए हैं, उनको अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना कितने कमांडो में संगठित है? तो इसका आंसर है 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, तो इसका आंसर है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवासी स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबिया दुर्घटना में मर्त कल्पना चावला, जो कि भारतीय मूल की थी, कल्पना चावला मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी, तो भारत हरियाणा की, ठीक है, उन्होंने कल्पना चावला है वो अंतरिक्ष से वापस आ रही थी, उस समय उनका रॉकेट विस्फोट होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो उसी समय उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर दो ग्रीन से होकर गुजरती है, इसका आंसर है प्रमुख यमोत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर है शरावती। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्यों की संख्या थी, तो इसका आंसर है 7। वो कैसे, 6 तो सदस्य प्लस में एक अध्यक्ष, उनका जो अध्यक्ष है, टोटल हो गए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर है सचिंद्रनाथ सान्याल, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे, वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे, तो इसका आंसर है सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस क्या है, ग्रीन पीस क्या है, तो इसका आंसर है पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसे ग्रीन पीस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश्वर पुरी और पिलानी के मंदिर शैली, कौन सी मंदिर शैली, सॉरी जो मंदिर शैली है वो किससे निर्मित है, तो इसका आंसर है नागर, नागर शैली से निर्मित है। भुवनेश्वर पुरी और पिलानी में जो मंदिर हैं वो नागर शैली से निर्मित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हीरा, भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम ISO 9001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है, ISO 9001 प्रमाण पत्र है उसको पाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है, तो इसका आंसर है भोपाल एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड आई यानी कि तीसरी आंख शब्द किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर है क्रिकेट, थर्ड अंपायर बोलते हैं उसको, थर्ड आई क्रिकेट से संबंधित है, लेकिन आजकल तो सभी खेलों में थर्ड आई का उपयोग करने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर दो स्थानों की न्यूनतम दूरी होती है, ग्लोब पर दो स्थानों की न्यूनतम दूरी होती है, तो इसका आंसर है प्रधान देशांतर पर, ठीक है, प्रधान देशांतर है उस पर न्यूनतम दूरी होती है, मान लीजिए कि कोई ग्लोब है, ये ग्लोब है, ठीक है, ये इसका ऊपर उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर ऐसे ऐसे रेखाएँ खींचती हैं मान, ठीक है, ऐसी होती हैं जो यहाँ पे होती है न्यूनतम दूरी इस स्थानों पे, उसको प्रधान देशांतर पर होती हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है, किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है, तो इसका आंसर है भूटिया, भूटिया जनजाति है उसमें ऋतु प्रवास का प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर है जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं,
जैन धर्म के त्रिरत्न है, तो इसका आंसर है सम्यक विकास, सम्यक आचरण, सम्यक विचार। विकास, आचरण, विचार, सम्यक सभी में कॉमन है, तो सम्यक तो आपको याद हो जाएगा, विकास, आचरण और विचार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब की गई, तो इसका आंसर है जनवरी 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामिनी कृष्णामूर्ति का किस नृत्य से संबंध है, यामिनी कृष्णामूर्ति है उनका संबंध किस नृत्य से है, तो इसका आंसर है भरतनाट्यम नृत्य से। तो वर्ष किस ग्रह का उपग्रह है, तो इसका आंसर है मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसांग उत्सव किस देश में मनाया जाता है, लोसांग उत्सव किस देश में मनाया जाता है, तो इसका आंसर है ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका आंसर है पत्रकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, इसका आंसर है 27 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उग्रवादी क्रांतिकारियों की प्रथम वृद्ध स्तरीय कार्यवाही बड़ा डकैती किससे संबंधित है, तो इसका आंसर है पूर्वी बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर पेशे से था, तो इसका आंसर है चिकित्सक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का पूर्ण कार्य कराने का श्रेय किसने लिया, तो इसका आंसर है इल्तुतमिश, और इसको शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, मयूर सिंहासन है उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, तो इसका आंसर है महमूद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने से सबसे बड़ा बाधा कौन था, तो इसका आंसर है शहरयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य की राजधानी कहाँ थी, चालुक्य है उनकी राजधानी कहाँ थी, तो इसका आंसर है वातापी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ, भारत में दशमलव प्रणाली है उसका आविष्कार किस काल में हुआ, तो इसका आंसर है गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म हीमयान तथा और महायान दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में किस बौद्ध संगति के समय दोनों विभक्त हो गए थे, तो इसका आंसर है चतुर्थ बौद्ध संगति में दोनों विभक्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी और पश्चिमी घाट का बिंदु है मिलन बिंदु है, तो इसका आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाला मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका आंसर है ज्योति बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के हैं, तो इसका आंसर है जैन धर्म, माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा श्वेत महाद्वीप कहलाता है, इसका आंसर है एंटार्क्टिक महाद्वीप। तो ये थे दोस्तों आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद आप सभी को।